आज हम बनाएंगे मोड़ी की फेमस सुपड़ी जो गेहूं के आटे से बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक प्लेट को घी से ग्रीस करके रख देंगे। अब यहाँ पे मैंने 2 कप गेहूं का आटा, 1 कप घी और 1 कप देसी गुड़ लिया हुआ है। अगर आप परफेक्ट माप से बनाओगे तो गेहूं की सुखड़ी जैसे मैंने बनाई है वैसी ही बनेगी। तो सबसे पहले हम मध्यम आंच पे घी को हल्का गर्म होने देंगे। उसके बाद गेहूं का आटा हम बारी बारीकी से डालेंगे। यहाँ पे मैंने गेहूं का फाइन आटा यूज किया हुआ है, जो हम रोटी बनाने के लिए यूज करते हैं वही। अब हमें इसे अच्छी तरह हिलाते रहना है जब तक आटा अच्छे से रोस्ट ना हो जाए। और यहाँ पे एक चीज का खास ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो आटा है उसमें लम्स नहीं रहना चाहिए, एकदम स्मूथ आटा होना चाहिए। यहाँ पे 3 ट्रिक से जाना जाता है जिसे हमें पता चलेगा कि आटा परफेक्ट रोस्ट हो चुका है कि नहीं। तो यहाँ पे फर्स्ट ट्रिक ये है, आटा जो है वो हल्का और फ्लफी हो जाएगा। शुरू में जब आप आटा और घी को मिक्स करेंगे तब थोड़ा मिश्रण हैवी लगेगा आपको। उसके बाद जैसे जैसे वो रोस्ट होता जाएगा वैसे वैसे वो फ्लफी और सॉफ्ट होता जाएगा। दूसरी ट्रिक यहाँ पे ये है कि आटे का कलर जो है वो चेंज होता जाएगा। शुरू में आपको आटा वाइट लगेगा और रोस्ट होने के बाद ये हल्का ब्राउन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच और घी का यूज किया हुआ है, जो मैंने ग्रीस करते वक्त लिया हुआ था ना वही 2 चम्मच घी इसमें और ऐड कर दिया है। और थर्ड मेथड ये है, आटे में बबल्स स्टार्ट हो जाएंगे तो समझो ये फ्लावर जो है वो अच्छे से पक चुका है, यानी कि रोस्ट हो चुका है, और उसकी खुशबू जो है वो भी सारे घर में अच्छे से आने लगी। तो ये 3 बातों का ध्यान रखेंगे तो सुखड़ी मैंने बनाई है वैसी ही बनेगी। अब यहाँ पे मैंने देसी गुड़ ऐड कर लिया है। हम इसे तब तक स्टर करते रहेंगे जब तक ये गुड़ पूरा मेल्ट ना हो जाए। के बाद हम उसे ग्रीस की हुई प्लेट में डालकर अच्छे से सेट कर लेंगे। और 10 मिनट का रेस्ट दे दीजिए ताकि सुखड़ी अच्छे से सेट हो जाए। और फिर उसे हम स्क्वायर शेप में काट लेंगे।
तो ये देखिए परफेक्ट टेक्सचर और मुंह में घुस जाने वाली सुखड़ी तैयार है। तो आपको कैसे लगी आज की ये रेसिपी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप कब बना रहे हो ये रेसिपी वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाइएगा।